नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई इस ऑनलाइन इंटरव्यू जिसका नाम हमने रखा है आपकी मेरी बात, इस श्रृंखला में आज आपसे मुखातिब होंगे मिर्जा नसीम बेग टोंकी। क्यों हैं मिर्जा साहब जिनके लिए जिनको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो बहुत कम शब्दों में बता दूं कि मिर्जा नसीम बेग साहब बहुत सादा दिल आदमी हैं और अदब की गहरी पहचान रखते हैं। लिखते बहुत कम हैं, लेकिन शहर में दो चार ही लोग होंगे जो इतने अच्छे सामाईन भी हैं, क्योंकि अदब को समझना शायर से बड़ी शख्सियत होती है कि हम शायर ने जो लिखा है उसको ठीक से समझ सकें या आगे तक पहुंचा सकें। ये बड़ा काम, ये बड़ा करिश्मा कर दिखाया अभी पिछले दिनों मिर्जा साहब ने अपनी एक किताब शाया करके जिसका नाम है मौज़े नसीम। इसमें करीब शहर के एक शताब्दी मान लीजिए, एक सदी पूरी, और करीब 40 ऐसी शख्सियतों का जिक्र है जिसमें कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, वो गुमनाम हो रहे थे। मिर्जा साहब की नेक दिली और इनकी जो तरबियत है ज़िंदगी के प्रति, वो उसने इनको मजबूर कर दिया कि उनका भी जिक्र करें। तो आज आपके सामने हैं मिर्जा नसीम बेग साहब। नमस्कार। धन्यवाद साहब। और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप पहले अपने आप के बारे में कुछ बताएं कि कहाँ आप जन्मे और कहाँ आपकी तालीम हुई, और फिर आप कैसे इन लोगों से इतने अंदर से जुड़ गए कि उनके अदब को, उनके लिखे हुए शेरों को, नस्र को और सब बातों को कैसे आपने अपने दिल में इतनी जगह दी कि आज एक किताब शाया हो गई, प्लीज़ बताएं। मेरा ख़ानदान रियासत बनने के बाद रामपुर से टोक आया जी, और यहीं क़याम पज़ीर हुआ। हमारी यहाँ पर पांचवी पीढ़ी चल रही है टोक में। वाह। मेरी पैदाइश टोक की है जी। मेरा हकीकी नाम मुर्तुज़ा बेग है और उपनाम मिर्ज़ा नसीम बेग टोकी के नाम से जाना जाता हूँ। और मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग साहब था और हम लोग, मेरी पैदाइश भी टोक की है। बचपन में घर का माहौल दीनी रहा जी। मेरे वालिद मुंशी फाजिल थे, घर में तरबियत दीनी रही जी। उसके बाद मदरसों में तालीम हासिल की। मेरे पहले उस्ताद हाफिज़ क़ारी मौलवी मोहम्मद अमीन साहब रहे जी, और शाही जामा मस्जिद अमीरगंज टोक के अंदर मेरा दाखला हुआ, अमीरगंज मदरसा कहलाता है वो, वहाँ तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मुझे मेरे वालिद ने सरकारी स्कूल में दाखला कराया, और सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैंने टोक कॉलेज से बीए पास किया। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए पास किया, और शुरू से ही मैं बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा रहा। नौजवान तो खैर चलते ही थे, अपनी हम उम्र लोगों के साथ तो रहता ही था जी जी, लेकिन बुज़ुर्गों से ज़्यादा जो है रابطہ रहा। उनके अंदर सन 70 के दशक में भाईजान आशिक जो के जानशीन दाग थे, उनके साहबजादे हबीब अहमद साहब थे जी, उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा, और वो मुझे टोक के पुराने वाकयात, पुराने शायरों के, पुराने अदीबों के, नवाबों के, इन सब के वाकयात मुझे सुनाते रहते थे। वहीं से मेरा जहन बना, और आप जो है मुझे अशार भी बहुत काफ़ी तादाद में उन्हें याद थे जी, वो मुझे अशार भी सुनाते रहते थे, तो वहीं से मेरा जहन बना। और 80 के आसपास मैं जो है अंजुमनों से जुड़ा जी, और कई उस्ताद शायरों से जुड़ा, मशायरों में जाना शुरू किया, उससे मेरा शौक़ जो है बढ़ता गया। इसी तरह जो है
काफ़ी अशार भी मुझे याद होते गए और टोक के जितने असातिज़ा थे उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। उसी की बदौलत उन्हीं को जमा करते हुए मैंने जो है फेसबुक बनाई। जुलाई 2018 के अंदर मैंने एक फेसबुक बनाई मेरे नाम से, और फेसबुक बनाकर उसमें टोक के उन असातिज़ा के अशार डालना शुरू किए जी, और उन अशारों को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद जो है मेरे दोस्त शोएब सैफी साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आप अशार तो डालते ही हो, मेरा ये मशवरा है कि आप नसर में भी टोक की शख्सियतों पर लिखो और उनको जो है फेसबुक पर आप डालो। और फिर मैंने उनके मशवरे के मुताबिक टोक की शख्सियतों पर सबसे पहला मजमून अल्लामा अब्दुल हई फाइज टोकी पर लिखा। क्या बात, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा करीब था जी। और काफ़ी वक्त तक तो उनके साथ उठता बैठता था। और उनके मजमून फेसबुक पर डालने के बाद लोगों ने बहुत सराहा और बहुत तारीफ़ की, जिससे मेरे हौसले बुलंद हुए। उसके बाद फिर मैंने यके बाद दिगर मजमून डालना शुरू किए और वो मजमून चलते चलते 31 हो गए। और एक मजमून जो है मैंने चार बेत और टोक पर लिखा कि टोक के अंदर चार बेत कहाँ से आई, कौन लाया और उसके सबसे पहले उस्ताद कौन थे और उसके बाद में किस किस तरह इसका जो है वक्त गुजरा और कैसे कैसे ये आज हमारे सामने आज तक पहुँची। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके दिल ने इस बात को कबूल लिया कि ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें इस टोक में हुई हैं, तो उनको इस आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो बड़ा काम किया है इस किताब के माध्यम से आपने, ये एक बड़ी बात है। इसके लिए तो आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि जैसे आपने शुरुआत की है बसावंगर शादा साहब से जी, और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े लोग जो यहाँ हुए हैं, रूही साहब भी हैं, मौलाना खन्ना भी हैं, बिस्मिल साहब भी हैं जी। तो क्या इस किताब में उनकी जीवनी तो है ही, जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाज़ा है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी जिक्र हैं जो उनके व्यक्तिगत जीवन शैली से, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हों और आम फेम हो, ऐसा कोई जिक्र हो तो आप बताइए प्लीज़, किसी के भी बारे में कि वो अगर बाज़ार आते थे या अपने घर पे मेहमानों की इज्जत करते थे या उनकी मेहमान नवाजी करते थे, तो उनका मिजाज कैसा था। आपने जैसे खन्ना साहब का नाम लिया जी, जी, तो खन्ना साहब का ये हाल था, मैंने उन्हें खूब अच्छी तरह देखा है जी। वो सूफी किस्म के इंसान थे, ठीक है, और जब कभी भी बाज़ार निकलते थे तो ये उनकी आदत थी कि वो अपनी नज़रों को नीचे करे हुए जाते थे। बड़ी बात। और जब कभी भी आमना सामना किसी से होता और कोई सलाम करता तो वो मुस्कुराकर हल्की सी नज़र ऊंची करके उसकी तरफ देखते और जवाब देते, और ऐसा लगता था कि जैसे वो नज़रों से जो है ज़मीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। कभी भी उनको ये देखा नहीं गया कि वो नज़रें ऊँची करके बाज़ार में जाते हों। इसी तरह अल्लामा फाइज साहब 100 साल तक की ज़िंदगी उनकी रही, 100 साल के बाद में उनका इंतकाल हुआ जी। वो बेत हाथ में रखते थे, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि उन्होंने बेत ज़मीन पर टिकाया हो। अच्छा, ये उनकी खूबी थी कि बेत हाथ में रहता था लेकिन कड़क होकर चलते थे। क्या बात। और बेत जो है ज़मीन पर नहीं टिकाते थे, आखिरी वक्त तक उनका यही रहा, यही अंदाज रहा। उनसे मेरी मुलाकात अब्दुल कवी फाइजी साहब ने जी, कराई जी, जो फाइज साहब के शागिर्द थे जी, उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि साहब ये मिर्ज़ा नसीम बेग साहब हैं और अच्छे सुखनवर हैं, शायर तो नहीं हैं लेकिन शेर फहम हैं। ठीक। तो हम लोग बैठे हुए थे उस वक्त जब उन्होंने ये तारुफ कराया, तो हज़रत फाइज साहब जो है वो उठ के खड़े हो गए जी, और खड़े होकर जैसे ही वो खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हुआ, मेरे दोनों हाथ उन्होंने हाथ में पकड़े और ज़ोर से दबाया और फरमाया कि शेर फहम इंसान एक शायर से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है।
और शायर बड़ी मुद्दत से बड़ी मेहनत से किसी किस्म का कोई शेर कहता है, गज़ल कहता है, और जब वो उसको सुनाता है तो उसका मफहूम उसके जहन में एक इशारे में आ जाता है, इशारे में आता है, ये बड़ी बात है। तो मेरे नज़दीक शायर से ज़्यादा बड़ा शेर फहम इंसान है। बहुत अच्छी बात, ये फाइज साहब ने फरमाया। जी 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 जी, तो इसके साथ ही देखिए, जहाँ तक मुझे इस टोंक शहर की जो मालूमात है, मैं सन 80 से यहाँ पर हूँ, पत्रकारिता में 30 साल से हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मौका मुझे मिला है। तो बज़मी साहब का बहुत नाम था उस ज़माने में, सन 80 के आसपास, और जहाँ भी महफिलें होती थीं तो बज़मी साहब की बड़ी मशहूर गज़लें हुआ करती थीं, जो हर महफिल में अपना एक रंग रखती थीं, अफसाना हयात का उनवा बदल गया, उनवा बदल गया। तो बज़मी साहब के बारे में कुछ कहेंगे आप? बज़मी साहब टोक के बहुत अच्छे जी सूफी मनश आदमी भी थे, और टोक के असतदाओं में एक उनका शुमार होता है बज़मी साहब का जी। मेरा आपके दौलत कदे पे अक्सर आना जाना रहता था जी, और वो भी मेरी दुकान पर शॉप पर आते थे, लेकिन ज़्यादातर मेरा उनके यहाँ आना जाना रहा है जी, जी, जी। और मशायरों में भी मैंने उनको खूब सुना है जी, और वो आपने जो है काफ़ी तादाद में गज़लें भी कहीं, नाते भी कहीं, और चार बेतें भी कहीं, जिससे कि आप पूरे शहर के अंदर बहुत मकबूल हुए। और आपने मजरूह सुल्तानपुरी जी साहब ने एक ख़त उनको लिखा जी, तो बज़मी साहब ने फारसी के अंदर एक रुबाई लिखकर उनकी शख्सियत पर मजरूह सुल्तानपुरी को पहुंचाई। क्या बात, जिससे उनकी मजरूह सुल्तानपुरी बहुत खुश हुए और उन्होंने इनको बम्बई बुलाने की दावत दी। ठीक है, लेकिन बज़मी साहब जो है टोक छोड़कर नहीं गए, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने हालात जैसे भी थे उनके, वो यहीं अपने गरीबी के अंदर ही गुजारे जी। और उनके कुछ अशार मुझे याद हैं, एक आध दो आप फरमाएं तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल इरशाद फरमाते हैं कि हरम के ताक में रोशन चराग क्या जाने, वाह, हरम के ताक में रोशन चराग क्या जाने, हवा के सामने जलते चराग का आलम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर फरमाते हैं कि ये आज़मतें तुम्हें खुद ही तलाश कर लेंगी, ये आज़मतें तुम्हें खुद ही तलाश कर लेंगी, तुम अपनी ज़ात में शान बशर तलाश करो। वाह, ये आज़मतें तुम्हें खुद ही तलाश कर लेंगी, तुम अपनी ज़ात में शान बशर तलाश करो। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा उनके बारे में सुना है बज़मी साहब के बारे में, काफ़ी कुछ जो उनके अपने हालात रहे और उन हालातों ने ज़िंदगी को जिस तरह उनके सामने रखा, काफ़ी कुछ उसका अक्स नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बहुत खुददार इंसान थे। और आपने फरमाया कि रहूं गिरकर निगाहे बागबां से, रहूं गिरकर निगाहे बागबां से, कफस अच्छा है ऐसे आशियां से। वाह, ये बड़ी जिंदा दिली की बात। फिर फरमाते हैं कि रुख्सत के वक्त जीनत तन क्या करूँगा मैं, वाह, रुख्सत के वक्त जीनत तन क्या करूँगा मैं, यारो उतार लो ये कफन क्या करूँगा मैं, यारो उतार लो ये कफन ये क्या करूँगा मैं। बज़मी साहब के अशार टोक के अंदर बहुत मकबूल हैं जी। जी जी, एक बहुत नाम बड़ा है जहाँ सूफिज्म की बात आती है, नात कलाम की बात आती है, नात पाक की बात आती है, तो बज़मी साहब का नाम बहुत आता है, क्या उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? बज़मी साहब इब्तदाई दौर के अंदर टोक में ही रहे जी, उसके बाद वो दिल्ली चले गए जी, और पूरी ज़िंदगी वो वहीं दिल्ली में ही उन्होंने गुजारी, वहीं उनका इंतकाल हुआ जी। बीच बीच में आते रहते थे जी, लेकिन वो मोहब्बत के आलमबरदार थे। अच्छा, उनके ज़्यादातर अशार जो है मोहब्बत सिखाने पर, मोहब्बत करने पर, और मोहब्बत की पाकीज़गी के ऊपर आपके अशार ज़्यादातर वो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं उनका आप जो कह रहे हैं वो तो सही हो गए ही, सही है, लेकिन मोहब्बत का जिक्र अगर आरफाना हो जाए, सूफी सिंह की तरफ चला जी जाए, तो वो शायर को दूसरे मंजिलों पर ले जाता है। बेशक बेशक, मैं ज़्यादा समझता नहीं, लेकिन इतना तो शायद ख्याल है कि ऐसा कुछ होता है।
तो ऐसा कुछ हुआ है शायरी गजल नज्म जी, इसका आखिरी जो इसकी आखिरी है इसका मेराज है वो सूफिज्म है जी। इंसान शुरुआत जो है गजल से करता है, नज्म कहता है, गीत कहता है जी, लेकिन कहते 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 वो इतना उसमें रजबस जाता है कि वो सूफिज्म में आ जाता है और उसी पे ही जो है ज़्यादातर अशार फिर कहता है जी। जी सूफिज्म में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, जैसे आम आदमी भी समझ ले कि जिसे हम जिस शब्द के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि सूफिज्म है ये, तो ये सूफिज्म क्या है थोड़ा सा। सूफिज्म का सही मतलब जो बुजुर्गान दीन ने बताया जी, वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सही तौर पर, मुकम्मल तौर पर और मजहबी तौर पर अपने अपने धर्म के हिसाब से जैसा बताया है जी, उसके हिसाब से उसको गुजारना और उस पर अमल करना ही जो है सूफिज्म है। नहीं, सूफी संत के बारे में तो फिर बाद में ये सुनने में आता है, मैं आपकी बात जी जी से तो बिल्कुल मान ही रहा हूँ कि जो लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो वो तो फिर उनके लिए दुनिया वनिया तो रहती नहीं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसके दिल से दुनिया निकल जाए समझ लो वो सूफी है जी 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 जी। जिसके दिल में, जिसके दिल में ईश्वर का वास हो जाए, जिसके दिल में भगवान का वास हो जाए, या जो अल्लाह का उसके दिल के अंदर खौफ हो जाए, उससे मोहब्बत हो जाए जी, उससे लगाव हो जाए, तो वो यकीनन सूफी हो गया। नहीं, अब आपने दो शब्द कहे, देखिए अदरवाइज मना लीजिए, दो शब्द हैं कि अल्लाह का खौफ हो या अल्लाह से मोहब्बत हो, तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत, मोहब्बत भी पहले सही है तो भाई उसके खौफ से बुरे काम ना करे बचे, और जो उसने रास्ते बताए हैं सीधे जी, जी, उन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारे जी। और कोई ऐसे शायर हो जैसे अपने यहाँ बिस्मिल साहब के लड़के ये हुए जो मकमूर सईदी हुए, शागिर्द थे उनके, उनके शागिर्द मकमूर साहब के, मकमूर साहब जो थे वो शागिर्द थे उनके उनके, और आप भी बहुत अच्छे शायर हैं और कम से कम आपकी 40 या 45 किताबें जो है दीवान छप चुके हैं आपके कलाम के, मखमूर साहब के जी जी जी, और बिस्मिल साहब के शागिर्द थे और आप भी अच्छा। दिल्ली रहते थे, आप भी दिल्ली रहते, आपकी पूरी ज़िंदगी दिल्ली गुजरी, आखिरी वक्त में आप टोक आ गए थे और आपका इंतकाल टोक में ही हुआ, मखमूर साहब, मखमूर साहब का इंतकाल टोक में हुआ 2010 में। मैं तो एक बार मिलना हुआ था उनसे जब राशिद साहब की याद में एक प्रोग्राम किया जी 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 रीजनल पब्लिक स्कूल में जी, हाँ जी, उस रात में उस प्रोग्राम में उनसे मिला था। कुछ आप अभी शुरू दौरान शुरू गुफ्तगू ये बात सामने आई थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जिक्र नहीं किया गया, जिन पर कुछ कहा नहीं गया, तो वो उनको थोड़ा सा बताएंगे कि वो कौन कौन भाई ऐसे जिनको इस किताब के माध्यम से अपन रोशनी मिला। टोक में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन पर किसी ने कभी लिखा ही नहीं, वो कौन लोग? उनमें मंजूर आलम साहब एडवोकेट हैं, एडवोकेट है, हबीबुद्दीन साहब एडवोकेट हैं जी हाँ, और मोहम्मद उमर सैफी साहब हैं, और ज़्यादातर रूही साहब पर भी नहीं मिलता, अख्तर शीरानी, महमूद शीरानी, इन लोगों पर तो लोगों ने बहुत मज़मून लिखे हैं, बहुत है, लातादाद मज़मून हैं, पाकिस्तान में भी लिखे गए, हिंदुस्तान में भी लिखे गए जी। और एक मज़मून इसके अंदर मैंने लिखा है हैदर हसन, हैदर अली साहब का जी, जिनका के जिनके नाम से अपने पुराने बस स्टैंड के आगे मौलाना साहब का कब्रिस्तान है जी जी जी, लेकिन टोक के ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि ये मौलाना साहब कौन थे जी, और ये कहाँ से आए थे ठीक है, और इन्होंने क्या क्या दर्स दिया, किस किस को कैसी कैसी तालीम दी ठीक है। ये मौलाना हैदर अली साहब थे जो रामपुर से टोक तशरीफ लाए अच्छा। और उनका क़याम मौलाना साहब की मस्जिद और मौलाना साहब का कब्रिस्तान जो है उस मस्जिद के वहीं उनका क़याम नवाब साहब ने रखा अच्छा। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं जो है दर्स दिया, और उन्हीं के नाम से मौलाना साहब का कब्रिस्तान आज मशहूर है और मौलाना साहब की मस्जिद भी मशहूर है। और उस मस्जिद में जब अपन अंदर जाएंगे तो पहले खंड के अंदर ही उनके नाम का पत्थर पर गुदा हुआ लिखा है ठीक, कि मौलाना राजपूताना मौलाना हैदर हसन मौलाना हैदर अली साहब अच्छा, राजपूताना टोक जी, ये उनका पत्थर पर लिखा हुआ है। अभी मैं ये सोच रहा था कि यहाँ तो काफ़ी रियासतकालीन नवाबी टाइम रहा है,
और सुनते आए हैं कि राजा हो या नवाब हो, ऐसे चुने हुए लोगों को अपने यहाँ दरबार में बड़ी खास जगह दिया करते थे, इज्जत दिया करते थे, उनका मान सम्मान करते थे। ऐसे कुछ लोग बताएंगे जो अपने नवाबी दौर में अपने अमीरुद्दौला साहब से लेकर आगे तक में जिनको नवाजा जाता रहा हो, ऐसी शख्सियतें कौन कौन सी रहीं? नवाब अमीरुद्दौला साहब के वक्त में सबसे पहले बसावन लाल शादा टोक तशरीफ लाए जी, और उसकी वजह ये थी कि उनके मामू दाता राम जी जो थे जी, वो नवाब अमीरुद्दौला साहब के यहाँ खास अहम ओहदे के ऊपर थे जी जी। तो उन्होंने अपने भांजे की खूबियों को देखते हुए, ये आप लखनऊ के रहने वाले हैं, बसावन लाल शादा बिलग्राम लखनऊ के रहने वाले हैं, और वहाँ से इनको नवाब साहब की इजाज़त से बुलवाया, और बुलवाने के बाद जो है आपका अमीरुद्दौला साहब से तारुफ़ कराया जी। अमीरुद्दौला साहब ने बसावन लाल शादा साहब की खूबियों को परखते हुए आपको अच्छे ओहदे के ऊपर फाइज किया जी। आप बसावन लाल शादा में ये खूबी थी कि आप फारसी दां तो थे ही, उसके साथ साथ सिपाहगिरी भी आपको आती थी। क्या बात। तो आपने आपका फौज का सिपह सालार भी बसावन लाल शादा साहब को बनाया। आपकी जितनी भी जंगें हुई हैं उनके अंदर बसावन लाल शादा साहब बस सिपह सालार रहते थे। अच्छा। और आपने जंगें भी लड़ी हैं, और उन जंगों के साथ साथ जब आप घर वापस क़याम करते आराम के दिनों में, आप जो है तारीख भी लिखते थे। अच्छा। आपने अमीरुद्दौला की तारीख पूरी अमीरनामे के नाम से लिखी, और अमीरुद्दौला के इंतकाल के बाद में उनकी गद्दी पर जब वजीरुद्दौला बैठे तो उन्होंने भी आपको उसी एजाज़ से नवाजा, और उन्हीं ओहदों के ऊपर कायम रहे आप, और आपने वजीरुद्दौला के दौला के दौर में भी तारीख़ टोक लिखी जी। तो दो हुकूमतों के की तारीखें बसावन लाल शादा साहब ने इतिहास के अंदर लिखी जी। तारीख़ फारसी भी लिखी, तारीख़ उर्दू भी लिखी जी। और अमीरनामा फारसी में लिखा गया। अच्छा। और उसके बाद में जो चलन चला तो वजीरुद्दौला के बाद में बहुत सारे लोगों ने फिर इसी तरह आपके नक्श कदम पे चलते हुए तारीख़ टोक लिखी, जो आज तक लिखी जा रही है, और आखिर के अंदर इमदाद अली शमीम साहब ने लिखी। अच्छा। हनुमान सिंगल साहब ने लिखी, इन सब ने जो है तारीख़ टोक वो सब आपकी नकल के ऊपर चली है। अच्छा। सबसे पहले अमीर आप ही हैं, शुरुआत उन्हीं ने बसावन लाल शादा साहब ने की। यहाँ जो अभी बात चल रही थी कि उर्दू तो अपनी ज़ुबान है ही, खैर, लेकिन फारसी का भी बड़ा दखल रहा है, लेकिन एक बीच में एक बात आती है जो खत्ताती की जी। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जो टोंक में ही नहीं, टोंक से बाहर और विदेशों तक पहुँचे हैं, जिनकी काबिलियत वहाँ भी पहचानी गई है, ऐसे कोई लोग हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? टोंक में खत्ताती के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल नाम कमाया जी वो अब्दुल खलीक खलीक टोकी के नाम से रहे हैं। अच्छा। और आपने टोक के अंदर ही जो है खत्ताती अपने सतादाज सीखी, और उसके बाद जो है दिल्ली रहे, बम्बई रहे। ठीक है। और ज़्यादातर दिल्ली आपका वक्त गुजरा, पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी आपकी। ठीक। और आपने तोहरे बनाए और सुंदर लेख लिखे, और ईरान में और सऊदी अरबिया के अंदर जो कंपटीशन होते थे जी, उसके अंदर आप हिस्सा लेते थे, और हिस्सा लेने के बाद में आप कई बार जो है फर्स्ट पोजीशन पर आए, और आपने टोक का नाम रोशन किया। एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है जो मुझे कंफ्यूज करता है जी। खत्ताती लिपि शब्द को किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन में बनाना, लिखना जी, और उसमें खूबसूरती पैदा करना, उसमें कुछ डिज़ाइन भी हो सकते हैं, जैसे गुलदस्ता भी हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? हाँ, खत्ताती को फन है, ये भी है, फन है और उसको इस तरीके से पेश करना, भाई ड्राइंग का कलाकार जैसे कोई बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल बनाता, हाँ, है वही बात तो है। अब चाहे एक महिला का चित्र है, पुरुष का चित्र है, वो उसके नए नक्श किस आकार में ढालता है, उसके
बॉडी लैंग्वेज कैसी बनाता है या वस्त्र कैसे पहनाता है, किस रंग में पहनाता है, तो ये कलाकार का बिल्कुल ही एक कलाकार का काम है। तो क्या अपन इसको एक अच्छी आर्ट ड्राइंग फॉर्म ऑफ आर्ट मान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है साहब जी, वही है। और आज भी टॉप के अंदर ये खलीक साहब के शागिर्द भी हैं जी, और उनके साथी भी हैं। अभी इसके खत्ताती के उस्ताद टॉप के अंदर सबसे बड़े कारी सलीमुल्लाह वासिफ फुरकानी साहब हैं। अच्छा, जिन्होंने भी जो है बहुत नाम कमाया खत्ताती के अंदर। उनके बच्चे, उनकी खुद की औलादें अच्छा जो है वो नवाब वासिफ ही हैं, कारी इज्जत हैं। इब्तदाई दौर के अंदर जफर रजा साहब हैं, खुर्शीद आलम साहब हैं, ये सब कारी सलीमुल्लाह साहब के भी शागिर्द हैं। अच्छा। और खलीक टोकी साहब के भी शागिर्द हैं। इसमें खुर्शीद आलम साहब जो है कई मुकाबलों के अंदर जा चुके हैं और इनामात पा चुके हैं। ठीक है। नवाब वासिफी साहब ने अभी पिछले महीने ही ईरान के अंदर जो है खत्ताती के मुकाबले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और उनको करीब 50,000 रुपये का चेक और सनदें वगैरह भी दी गई हैं। बड़ी बात, नवाब वासिफी साहब को बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो टोक में अभी खत्ताती का दौर चल ही रहा है। एक और छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ थोड़े से अपने पृष्ठ पलटे थे तो कहीं जिक्र आ रहा था आपकी किताब में कि जो शायर हुए, अदब की बड़ी उन्होंने खिदमत की, लेकिन उनको कुछ और भी शौक थे, जैसे किसी को कुश्ती का शौक था या किसी को कोई और शौक था, ऐसे लोग कुछ बताएंगे? उस्ताद आबरू टोक के अंदर एक ऐसी शख्सियत थे जी जिनको पंजा कशी का बहुत शौक था, और वो अच्छा। रामपुर गए और रामपुर जाकर उन्होंने पंजा कशी की, और उनके उस्ताद ने उनको पंजा कश का खिताब से नवाजा। क्या बात। और आपने जो है कुश्ती का भी, आपको उस्ताद आबरू को शौक रहा जी, जी, जी। और आपने कुश्ती के अंदर भी जो है इनामात हासिल किए और खिताब हासिल किए। हाँ। उसके अलावा आपने करीब करीब 80 से ऊपर किताबें लिखी। वाह, उस्ताद आबरू ने। हाँ। और वो किन विषयों पर हैं ये? वो सब शायरी है, सब फारसी, फारसी में नस्र में भी हैं। अच्छा। खानदान अमीरिया के की तारीख भी है जी, और हदीक़ा राजस्थान के नाम से किताब है जिसके अंदर टोक के पूरे रियासत के फ़ोटो भी हैं। अच्छा। और आपकी पूरी पूरी सवाल हयात है कि ये किसके किसकी औलादे हैं, किस इनकी औलादे कौन हैं, क्या है, पूरा अमीरिया ख़ानदान का उन्होंने, ख़ानदान अमीरिया का इसमें हदीक़ा राजस्थान में जिक्र किया है। अच्छा। और आपने फ़ारसी की कई किताबें लिखी हैं जी उसमें, और उर्दू की में भी कई किताबें लिखी हैं, और आपका दीवान भी है। ज़्यादातर आपने नसर में अपना कलाम पेश किया, नसर नसर ज़्यादा लिखी। अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सा अपन बात को समेट लें, और टोंक को अदब के हिसाब से तो कोई किसी तरह से कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें एक सितारा और टंगा रहता है जिसे मैं कहूँगा चार बैंत का, जो टोंक से वाबस्ता नहीं है, उनके लिए बड़ा नया नाम होता है कि ये चार बैंत है क्या। तो थोड़ा सा ये जिक्र करें कि ये किन मिसरों की अदायगी के साथ इसको चार बैंत का कोई बंद कहा जा सकता है, और क्यों ये फलक पे आई, क्या कारण थे इसके, कहाँ से शुरू हुई, और अब वर्तमान में वो हिंदुस्तान में कम से कम कहाँ कहाँ सुनी जा सकती है, लोग लिख रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। असल में क्या है साहब कि नवाब अमीरुद्दौला साहब जो थे वो एक फौजी सिपाही थे जी जी, और ये जो चारबेद है जी ये भी फौजियों से ही निकली है, और अफगानिस्तान से। अच्छा। ये पहले अफगानिस्तान के अंदर जो है पढ़ी जाती थी। ठीक। और अफगानी जो है वो फौजों के अंदर अपनी फौज को जोश दिलाने के लिए। अच्छा। और रातों के कयाम के अंदर अपना वक्त भी पास करने के लिए ये चार बैत एक दफ के साथ में पढ़ते थे, जिससे कि उनमें जोश खरोश भी पैदा हो। ठीक है। और उनकी दिलजोई भी हो। सही। और ये ईरान में भी पढ़ी गई, अफगानिस्तान में भी पढ़ी गई जी, और हिंदुस्तान में कई जगहों पर पढ़ी गई, जैसे रामपुर है जी, भोपाल है जी, हैदराबाद है, इन जगहों के ऊपर जो है चार बैत खूब अच्छी पढ़ी जाती थी। अच्छा। अब इसका जुड़ाव टोक से क्यों हुआ, उसकी वजह ये रही कि अमीरुद्दौला साहब जो थे जी वो सराय तरीन संबल
रामपुर से तशरीफ लाए थे जी, जी, जी। उनकी पैदाइश वहीं की है, उनके बुजुर्ग वहीं के रहने वाले थे, ठीक है, और उनका खानदान अफगानिस्तान से वहां आकर बसा था। तो अमीरुद्दौला साहब ने जब टोक 1817 में टोक कायम हुआ तो उस वक्त जो है वो रामपुर से काफ़ी लोग टोक के अंदर आके बसे, जो उनके रिश्तेदार भी थे, उनके सिपाही भी थे, उनकी फ़ौज के अर्दली भी थे जी, जिसके नाम रेजिडेंसी के नाम से रजबन बसा जी, काली पलटन उनकी एक पलटन थी जिसके नाम से काली पलटन मोहल्ला बसा। क्या बात और उसी उन्हीं लोगों ने जो है जो वहाँ से रामपुर से आए थे उनमें एक उस्ताद थे जो करीमुल्ला खान साहब नाम था जिनका, अच्छा। वो टोक तशरीफ लाए थे और वो चारबेद के उस्ताद थे, ठीक है, रामपुर के अंदर। उन्होंने आकर यहाँ पर चारबेद के शौक को जो है बढ़ावा दिया, लोगों को अपने साथ लगाया, अपने जानशीन बनाया, अपने पट्टे बनाए, और ये शुरुआत जो हुई है बहीर से हुई है। अच्छा। टोक के अंदर जो एक बहीर मोहल्ला है, अमीरुद्दौला वहीं बसे थे, अच्छा। और उनके साथ के जो आने वाले थे बहुत बहुत से लोग बहीर में बसे, और करीमुल्ला खान साहब भी वहीं बसे, और ये चारबेद का शुरुआत आपने की, और उसके बाद में आपने जो जानशीन बनाए वो सुलेमान खान थे जी, और उसके बाद में फिर चलते चलते चारबेद का शौक जो है टोक के अंदर इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले चारबेदें होने लग गई जी, जी, जी। हत्ता के शादी बरातों के मौके पर चारबेदों के प्रोग्राम होने लगे जी, जी, जी। और आज भी होते हैं जी। आज भी काफ़ी तादाद में, उस वक्त तो जो है पार्टियाँ दो या तीन ही थी, लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ता गया टोक के अंदर चारबेदों की पार्टियाँ बढ़ती गईं, आज भी 12 या 13 के करीब चारबेदों की पार्टी हैं। क्या बात। यूँ समझिए कि जितने मोहल्ले हैं हर मोहल्ले के अंदर एक पार्टी है, पार्टी है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है नाम कमाने वालों में काली पलटन की पार्टी सितारा हिंद है जी, जी, जी। जिसके उस्ताद उबैद खां थे। अच्छा। आप तकरीबन 30 साल तक रामपुर के मेले में कंपटीशन के अंदर गए, अच्छा। जहाँ कानपुर से, रामपुर से, भोपाल से, हैदराबाद से जी, कलकत्ता से पार्टियाँ आती थी, और उस मेले के अंदर, सरकारी मेले के अंदर आप जो है पार्टियों के अंदर मुकाबले में हिस्सा लेते थे 30 साल तक। मुरादाबाद में भी आपके उबैद खां उस्ताद के जो है काफ़ी शागिर्द हैं जी, और आपके इंतकाल के बाद में आपके भांजे और आपके जानशीन जी अयूब खां उस्ताद जो हैं उन्होंने अपना उन्होंने बागडोर संभाली पार्टी की, और आपने भी रामपुर के मेलों में, मुरादाबाद के फंक्शनों में जी जो है हिस्सा लिया, और एक वाकया मैंने किताब में भी आपका लिखा है जी कि जो है होलकर की पोती हैं इंदौर के अंदर जी, उन्होंने महेश्वरम में आपको दावत दी काली पलटन अयूब खां की पार्टी को जी, जी, जी। कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, लंदन के मेहमान आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी चारबेद कला का नमूना यहाँ महेश्वरम में हो। क्या बात। तो काली पलटन की पार्टी उस्ताद अयूब खां जो थे वो अपनी पार्टी को लेकर इंदौर के आगे महेश्वरम एक जगह है जो नदी के तट पर है जी, जी। नर्मदा नदी के तट पर है जी, जी। तो वहाँ ये पहुँचे तो ये दिन में ही रवाना हुए थे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो 4 बज रहे थे सुबह के। अच्छा। जब आप ये वहाँ पहुँचे तो देखते क्या हैं कि वो महाराजा होलकर की जो पोती हैं वो दरवाजे पर हार फूर लेकर हमारे लिए खड़ी हुई हैं, और जितने भी वो मेहमानान थे वो लोग भी खड़े हुए हैं। जाते ही जो है हमें हार फूल किए और बहुत खुशी का इजहार किया, और ये कहा कि ये हमारे दादा परदादा जो अमीर के दोस्त और भाई अमीरुद्दौला थे जी, उनके घर से, उनके घराने से आए हैं ये, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। उसके बाद जो है इन लोगों ने अपना प्रोग्राम दिया, और जो बाहर के आए हुए लोग थे उन लोगों ने भी अपना प्रोग्राम अपने हिसाब से मार रखा। और दूसरा नाम टोक के अंदर जो सबसे ज़्यादा कमाया वो उस्ताद अब्दुल मुसव्विर खां साहब हैं जी, जो शान हिंद पार्टी के उस्ताद थे जी। उनकी पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर राजीव गांधी के सामने और सामने एक मेले के अंदर जो लगातार कई रोज तक चला था जी, और इनकी पार्टी का जो है रोज प्रोग्राम होता था। अच्छा। कई रोज तक इन्होंने वहाँ अपना प्रोग्राम दिया और नाम कमाया। मुसव्विर खां की पार्टी भी भोपाल भी गई, वहाँ नाम कमाया जी। रामपुर के मेले में भी आपने शिरकत की मुसव्विर उस्ताद ने, और सबसे बड़ी खूबी ये थी
मुसव्विर उस्ताद की पार्टी की कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बहुत था, बहुत अच्छा, आपके इशारे के ऊपर पूरी पार्टी उछल पड़ती थी और आपके इशारे पे ही पूरी पार्टी बैठ जाती थी। क्या बात। और आप बहुत अच्छा दफ बजाते थे, बेहतरीन दफ के कारीगर थे आप, और चार बेद भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। कोई चार लाइनें आप चार बेद की सुना सके तो बड़ी मेहरबानी। चार बेद का मतलब, अगर वक्त की बात है यार, हाँ, नहीं ध्यान में नहीं आ रहा, अगर आ गया तो मैं सुना दूं। कोई बात नहीं, आज आपसे इस बारे में बात हुई और मुझे लगता है कि जैसा कि हम इस किताब के ज़रिए महसूस कर रहे हैं कि बहुत लोगों के काम आएगी, यहाँ तक कि जो शोधकर्ता हैं, जो टोंक को समझना चाहते हैं या कि अदब को लोग, उनके भी काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ तय करता हूँ और धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।